जैसा कि अभी हम आप लोग को बताए हैं तना, तना किसे कहते हैं? स्टीम। बोले तना का विकास मूलांकुर की ओर होता है कि प्रांकुर की ओर? प्रांकुर। किसकी ओर होता है? प्रांकुर। प्रांकुर, प्रांकुर की ओर विकास, प्रांकुर की ओर होता है, मतलब ये जमीन के ऊपर जाता है, यानी कि जियोट्रॉप की फोटोट्रॉप, फोटोट्रॉप, फोटोट्रॉप मतलब जमीन के ऊपर, ठीक है। और ये प्रकाश की ओर बढ़ता है, किसकी ओर बढ़ता है? प्रकाश की ओर। तना में बहुत सारे नोड और इंटर नोड होते हैं, मतलब गांठे होती है। क्या होती है? गांठ। यही गांठ को समझाने के लिए अभी हम लाए हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज्यादा तना को हानि होता है, अगर तना को ये छील दीजिएगा ना इसको, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हानि होगा। समझ में आया? अब देखिए, तना में बहुत सारा गांठे होगा, अगर यहाँ पे आप जूम कीजिएगा, देखिए गांठ है, कैमरा मैन थोड़ा नजदीक आइएगा, देखिए बहुत सारा यहाँ पे गांठ है जिसको नोड या इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड या इंटरनोड। अगर हम इसको छील देते हैं किसी भी औजार की मदद से, जैसे हम इसके मदद से इसको छील दिए, तो यह सर्वाधिक हानि पहुंच जाती है। अपना स्थान में जाइए आप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हानि किससे होता है? छिलने से, ठीक है। और इसमें बहुत सारे गांठे होते हैं। क्या होते हैं? गांठे, तना में, ठीक है, समझ में आ गया ना। और हाइड्रोपोनिक किसे कहते हैं? वैसा पौधा जिसे जल में लगाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक, लेकिन जड़ होना चाहिए जल में। जड़ कहाँ होना चाहिए? जल में। उसके बाद अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसटीएम क्लासिफिकेशन, मतलब कि हम लोग तना को कितने भागों में बांटते हैं, कितने भागों में बांटते हैं, तो मुख्यतः तीन भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों। वायवीय तना, अवायवीय तना और भूमिगत तना। वायवीय तना, अवायवीय तना और भूमिगत तना। जितना भी पेड़ है, लगभग में से 95-97% सभी का तना वायवीय है, मतलब सबका तना आसमान में दिखाता है। वायवीय मतलब हवा में, वायवीय मतलब हवा में, वायवीय मतलब हवा में। लेकिन बहुत सारे कम, जैसे कि आम का पौधा, आम का तना कहाँ है? हवा में, ऊपर में ही ना है जी। आम का तना किधर है? हवा में। लीची का कहाँ? वायवीय है ना जी। अब अगर हम बात करें कटहल का कहाँ? वायु में। जामुन का, नाशपाती का, सबका वायवीय ना है। लीची का, नींबू का, जितना भी चीज है सबका कहाँ है? वायवीय। लेकिन कुछ कुछ का तना अर्ध वायवीय होता है, मतलब वायु में भी होता है और जमीन से भी सटता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें घास का, नाम सुना है घास? घास का जो तना है वो जमीन में भी रहता है और कहाँ रहता है? जमीन से भी सटा हुआ रहता है और कहाँ पे रहता है? वायु से भी सटा हुआ रहता है। हम उसे क्या कहते हैं? अर्ध वायवीय। वायु नहीं है पूरा, कैसा है? अर्ध वायवीय। कैसा तना है? अर्ध वायवीय तना। लेकिन कुछ कुछ तना होता है जो पूरा का पूरा अंदर होता है, जमीन के अंदर। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रूट्स का टॉपिक पढ़े थे, तो आलू ओल के बारे में बताए थे ना। आलू क्या है? तना है ना। वैसा तना जो जमीन के अंदर हो, हम उसे क्या कहते हैं? भूमिगत तना। ऐसा तना, भूमिगत तना। जैसे कि आलू, ओल, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सभी क्या है? सभी के सभी तना है। क्या है? तना, ठीक है। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं, अभी लिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है, ठीक, चलिए।